दोस्तों आइए, टीना दावी ने किया एक बड़ा कारनामा जिसकी चर्चा है पूरे राजस्थान। आखिर डीएम हो तो ऐसा हो, आपको बता दें आइए, टीना दावी ने हाल ही में बाड़मेर जो उनका जिला अधिकारी जिस डिस्ट्रिक्ट की है वहां पर उन्होंने सफाई अभियान चलाया है और उसके साथ साथ आज उन्होंने काले कारनामों की भी सफाई कर डाली। आपको बता दें आइए, टीना दावी आज चामुंडा सर्किल पर सफाई अभियान के तहत वो पहुंची थी और वहां पर उन्होंने एक स्पा सेंटर के बाहर कूड़ा कचरा देखा, जिसके बाद जो उसका सेंटर मालिक था वो ताला लगाकर वहां से भाग गया। जब उसे पता लगा कि इस जगह पर डीएम आए हुए हैं और वहां पर वो सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का माजरा कुछ और ही था। इस वजह से जो स्पा सेंटर का मालिक था वो ताला लगा के वहां से भाग गया। जिस चीज को देखते हुए जो डीएम थी वहां की, वो वहां पहुंची और उन्होंने जब उस गेट को खटखटाया कि उससे कोई बाहर निकले, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं निकला, जिसके बाद उस बिल्डिंग और इस पर सेंटर पर संदेह हुआ कि आखिर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये बंदा भागा क्यों। बार बार आवाज लगाने पर जब उस गेट को नहीं खोला गया तो उसके बाद आईएएस टीना दावी और उनके साथ एडीएम, ये सभी लोग नाराज होने लगे इस बात पर कि आखिर जब तक ये गेट नहीं खुलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इसी को देखते हुए एडीएम, जब वो गेट नहीं खुला, पहले तो उस लोहे के गेट को तोड़ा गया, उसके पीछे एक कांच का गेट था उसको भी तोड़ा गया और एडीएम जो कि छत के रास्ते से ऊपर कई लोग गए, तब जाकर वहां पता लगा कि स्पा सेंटर के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज की जा रही थी। पहले तो टीना दावी जो कि चामुंडा सर्कल पर सफाई अभियान के लिए पहुंची थी, लेकिन जब स्पा सेंटर का गेट नहीं खुला तो अब उन्हें संदेह हुआ और जब छत के रास्ते से कुछ लोग पहुंचे, कुछ ने गेट तोड़ा तो जब देखा गया कि वहां पर करीब 6 युवती यानी कि 6 लड़कियां थी, 2 युवक थे, ये लोग वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे और इसके तहत उन 6 की 6 लड़कियों को निकाला गया। साथ ही 2 लड़के थे उनको भी पकड़कर फिलहाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या क्या उस जगह पर इलीगल एक्टिविटीज की जा रही थी। और इस बात की जो चारों तरफ चर्चाएं की जा रही हैं, आखिर किस तरीके से आईएएस टीना दावी ने सफाई अभियान के चलते काले कारनामों की भी सफाई कर दी। और आईएएस हो तो ऐसा हो, टीना दावी जैसा हो, आखिर आपकी क्या राय इस पूरे मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।